नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। जितने भी हमारे आधार संचालक या यूसीएल पर काम करने वाले ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूआईडीआई के द्वारा आप जब अभी तक जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे, अगर आपका सॉफ्टवेयर 180 से नीचे है, 180 जो आपका सॉफ्टवेयर है, 180 से बिलो जो कोई भी वर्जन हो सकता है, जैसे कि इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ 163 से लेके 178 तक सभी वर्जन्स को अब बंद कर दिया गया है पूर्णतः। तो अगर आपका कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, इनमें से किसी भी वर्जन पे आप काम कर रहे थे अभी तक, तो हो सकता है वो आपकी ऑपरेटर या मशीन से कि नहीं हो रही हो। तो सभी से अनुरोध है कि एक बार अपना सॉफ्टवेयर चेक कर लें और जो अपडेटेड वर्जन अभी प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है 180 या 181, उस पर आप काम करें। इन केस अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो पाया है, उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ प्रोसेस बताए गए हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करें और अपना सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से अपडेट कर लें। इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि इस फाइल में मैं बताना चाहूँगा आपको, आपको सबसे पहले सर्विसेज पे जाकर आधार से संबंधित जितनी भी सर्विसेज सबको स्टॉप करना है। इस प्रकार आप आधार से संबंधित सभी सर्विसेज को स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद इस फाइल में लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आपको जो अपडेटेड क्लाइंट ओटीए फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करना है। उनके आप क्लिक करके वन बाई वन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल दोनों डाउनलोड होने के पश्चात आपको आपके डाउनलोड्स फोल्डर में दिखाई देंगे इस प्रकार, जैसे मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। इन दोनों फाइल्स को आपको कॉपी करना है, सी ड्राइव में यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोल्डर है, उस पर क्लिक करके आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में जाएंगे। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट के अंदर सीड नामक फोल्डर मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको दोनों फाइल्स को पेस्ट करना है। इसके पश्चात आपको जिप फाइल जो हमने अभी यहाँ पे कॉपी की है 180-1, इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपको काफ़ी फाइल्स और फोल्डर और नज़र आने लगेंगे। तो जो फाइल्स और फोल्डर अभी एक्सट्रैक्ट होकर आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। जो पहले से यहाँ पर फाइल हमारे पास थी, उनको हमने अनसेलेक्ट किया है। जो अभी एक्सट्रैक्ट होकर आपके सामने दिखाई दिए, इनको सेलेक्ट करेंगे। सभी को कंट्रोल सी करने के बाद पुनः आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट पर आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जब आप पेस्ट कमांड देंगे तो ये रिप्लेस के लिए आपसे एक पॉपअप दिखाई देगा, उस पर रिप्लेस कर देंगे, क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार जो फाइल्स और फोल्डर अभी एक्सट्रैक्ट हुए थे, वो यहाँ पर रिप्लेस होकर आपके आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में फिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपको इस फाइल में प्रॉक्सी फाइल दी गई है। प्रॉक्सी फाइल से आपको प्रॉक्सी फाइल वाले लिंक से आपको प्रॉक्सी फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये सभी स्टॉप हम लोग अभी फॉलो कर चुके हैं। ये प्रॉक्सी फाइल का जो लिंक दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके प्रॉक्सी फाइल डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार डाउनलोड कर देंगे, ये फाइल भी आपको अब डाउनलोड्स में दिखाई देने लगी होगी। सी ड्राइव में यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोल्डर जाकर आपको C1F नाम से फोल्डर मिलेगा। इस C1F नाम से फोल्डर में आपको प्रॉक्सी रिप्लेस करनी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉक्सी अवेलेबल है, तो आपसे रिप्लेस करने के लिए एक पॉपअप नजर आएगा, आपको वो रिप्लेस कर देना है क्लिक करके। अब पुनः आपको सर्विसेज में जाकर जो सर्विसेज आपने आधार से संबंधित पहले स्टॉप की थी, उनको पुनः स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार आप स्टार्ट कर देंगे। मैंने सभी सर्विसेज स्टार्ट कर दी। अब आपको डेस्कटॉप पर जो आपका आधार एनरोलमेंट क्लाइंट है, उसको लॉगिन करना है। आप अपने सॉफ्टवेयर में पाएंगे कि आपका जो आधार सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है और आप अपडेटेड जो वर्जन है, हमने जो ये प्रोसेस फॉलो किया है, ये 180-1 के लिए किया था, 180 सॉफ्टवेयर के लिए किया है।
आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 180 पे अपडेट हो चुका होगा। इन केस अगर आपको सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस फ्लो बताया गया है उसके बावजूद भी अगर अपडेट नहीं हो पाया है, आपको किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने जिले में हमारे DMDC है, जिला प्रबंधक और डिस्ट्रिक्ट टीम है, उनसे संपर्क कीजिए या फिर अपने UID स्टेट टीम से संपर्क कीजिए। किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपना सिस्टम रिमोट पर ना दें, किसी अपने साथी के कहने पर आप अपना सिस्टम रिमोट पर ना दें। प्लीज आप अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम से संपर्क कीजिए या फिर UID स्टेट टीम से संपर्क कीजिए और अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लीजिए। सभी आधार संचालकों को 180 या 180 से एवं जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उस पर काम करना है। धन्यवाद।